एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। जल में हजारों प्रकार के जीव रहते हैं, छोटी सी सीप से लेकर विशाल काय शार्क या वेल तक। इनमें से भारतीय पौराणिक कथाओं में एक जलजीव जो प्रमुखता से नजर आता है वो है मत्स्य यानी मछली, जिसे विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार माना जाता है। क्या तुम्हें पता है कि मत्स्य ने पृथ्वी पर कैसे और क्यों अवतार लिया था? हाँ बिल्कुल, मत्स्य के पृथ्वी पर अवतार लेने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं और हर युग के अंत में ब्रह्मा सोने चले जाते हैं, क्योंकि हमारा एक युग उनके एक दिन के बराबर होता है। इस दौरान दुनिया में कोई रचना नहीं होती और ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। तो सतयुग काल की पृथ्वी एक तेज बाढ़ में खत्म होने वाली थी। युग का अंत करीब था, इसलिए ब्रह्मा सो गए। लेकिन इसी बीच है ग्रीव नाम का राक्षस ब्रह्मा से वेदों का सारा ज्ञान चुराकर समुद्र में छिप गया। विष्णु को इस बात की फिक्र होने लगी कि वेदों को अगले युग में कैसे ले जाएंगे, पर उनके पास हर समस्या का समाधान था, क्योंकि वो तो रक्षक देव हैं। पृथ्वी हजारों प्रकार के जीवों से भरी है, जिनमें कुछ जल और जमीन दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे कि कुर्म यानी कछुआ। आज हम जानेंगे इसी कुर्म के बारे में, जिसे विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार माना जाता है। और इस अवतार की भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने फूलों की एक माला इंद्र को दी, जिसे उन्होंने अपने हाथी ऐरावत पर डाल दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिराकर कुचल दिया। प्रसाद के रूप में दी गई माला के कुचले जाने को दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और इंद्र के साथ सभी देवों को उनकी अमरता, ताकत और दैवी शक्ति के विनाश का श्राप दे दिया। अपनी शक्तियां खोने से सभी देवता कमजोर हो गए और इस घटना के बाद वे असुरों से हर लड़ाई में हारने लगे। देवों ने अपनी मजबूरी विष्णु को बताई। विष्णु ने देवों को सलाह दी कि वे समुद्र मंथन से अमृत निकाल कर पिए, तभी उनका कल्याण होगा। अब समुद्र मंथन कोई आसान काम तो था नहीं, इसलिए यह तय किया गया कि मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये काम अकेले देवों के बस का नहीं था, इसलिए उन्होंने असुरों से मदद मांगी। असुरों और देवों के प्रयास से मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदार पर्वत बगैर किसी सहारे के पानी पर रखा था, इसलिए जोर लगने से वो समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कुर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया और मंथन फिर से शुरू हुआ। आज हम बात करने वाले हैं सुअर की, जो कीचड़ या गंदगी में रहने की वजह से गंदा या अशुभ माना जाता है। इसकी कई प्रजातियों में से एक है जंगली सुअर। यही जंगली सुअर भारतीय पौराणिक कथाओं में वराह अवतार के रूप में मौजूद है। वराह अवतार यानी भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। इसका स्वरूप अर्ध मानव और अर्ध सुअर का है। अन्य सभी अवतारों की तरह विष्णु का वराह अवतार भी लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए धरती पर आया था। वराह के बारे में ये कहानी अग्नि पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और वायु पुराण में नजर आती है, पर थोड़े थोड़े फर्क के साथ। लेकिन कहानी का मूल प्रारूप कुछ इस तरह है। एक बार हिरणाक्ष और हिरणकशिपु नाम के दो असुर भाइयों के आतंक से
पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य और देव सभी परेशान हो गए। हिरणाक्ष ने तो हर सीमा पार कर ली थी और वो भूदेवी के स्वरूप वाली पृथ्वी को ही उठाकर समुद्र में छिप गया। देवों और मनुष्यों की प्रार्थना पर विष्णु ने बड़े और नुकीले दांत वाले वरा का अवतार लिया। वरा पानी में उतरा जहाँ हिरणाक्ष ने उसका अपमान किया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच हुए भयानक युद्ध में वरा की जीत हुई। युद्ध समाप्ति के बाद वो पृथ्वी को अपने नुकीले दांत पर टिकाकर पानी से बाहर आया और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। चूहा, जिसे मूषक भी कहते हैं, एक अलोकप्रिय प्राणी है जो घर व्यापार का जरूरी और कीमती सामान कुतर देता है, गंदगी और बीमारी फैलाता है। अनाज को नष्ट करने वाले जीवों में इसका स्थान सबसे प्रमुख है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आधुनिक जगत में नापसंद इस प्राणी को भारतीय पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। क्या तुम्हें पता है पुराणों में मूषक इतना खास क्यों है? मूषक तो सबके प्रिय देव गणेश का वाहन है। वैसे गणेश के शिल्पों में मूषक का वाहन स्वरूप पश्चिम तथा मध्य भारत में 7वीं शताब्दी में नजर आना शुरू हुआ। वाहन के रूप में मूषक का उल्लेख सबसे पहले मत्स्य पुराण और उसके बाद ब्रह्मानंद पुराण और गणेश पुराण में दिखाई देता है। मूषक के गणेश वाहन बनने के भी कई अलग अलग किस्से पौराणिक कथाओं में नजर आते हैं। उनमें से एक प्रमुख कथा के अनुसार गज मुखासुर राक्षस ने अपनी ताकत से देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। सभी देवता जब गणेश के पास पहुंचे तब उन्होंने देवों को गज मुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। गज मुखासुर के साथ भयंकर युद्ध में गणेश का एक दांत टूट गया। गुस्से में गणेश ने टूटे दांत से गज मुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा। लेकिन गणेश ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से क्षमा मांगने पर गणेश ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।